कैसे हो लोग। मैं अभी हूँ कुमरार में और आज का वीडियो मैं जहाँ जाने वाला हूँ अगम कुआं, उसका कुछ रिलेशन इस पार्क से भी है, तो जिसके वजह से पहले मैं इस पार्क को आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी सुबह कैसे 7:30 बज रहे हैं, मैं आया था दौड़ने के लिए यहाँ पे। और एक बात बता दूँ, अगर आप रनिंग करते हैं कुमरार में, रनिंग सही से कर नहीं पाओगे अगर आर्मी के लिए GD ये सब जो दौड़ होती है CRPF ये सब आपके लिए मोइन उल हक स्टेडियम ठीक है, उसमें दौड़ो। और आज इधर पीछे में जो दिख रहा है आपको, ये इसका कुछ रिलेशन है उस अगम कुआं से, जिसके वजह से मैं पहले यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें एक सुरंग था, मतलब नीचे से रास्ता था अशोक सम्राट का, यहाँ पहले महल था। सुरंग है जो अगम कुआं में खुलता है, तो अगम कुआं में जो अशोक सम्राट था वो अपना जितना खजाना था तो उधर रखता था। तो मैंने सोचा पहले इधर का दिखा दूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा तो वहाँ का दिखा दूँगा। तो इसका कुछ रिलेशन है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, और कुमरार का और वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। पहले भी मैंने कुमरार पार्क का बना रखा है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और हमने 150 से करोड़ सब्सक्राइबर अगेन कर लिए हैं, एक समथिंग 160 सब्सक्राइबर हैं, तो ये आपके प्यार के बिना मुश्किल होता। तो आप ऐसी प्यार दिखाते रहें और वीडियो देखते रहें। और ये कुमरार पार्क जो आप देख रहे हैं, ये सुबह 8 बजे तक एंट्री फ्री रहती है, उसके बाद आपको 25 रुपये इसमें आने के लगते हैं। तो आगे चलते हैं। और भाई बिहार पारा मेडिकल आ चुका है, बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई पारा मेडिकल कब आएगा, तो बिहार पारा मेडिकल आ चुका है और जिसको इंटरेस्ट हो भाई भर सकते हो। और उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा उस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसके साथ मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ एजुकेशन और फिटनेस के बारे में भी कुछ जानकारी दूँ, तो इसलिए मैंने ये बताता रहता हूँ पारा मेडिकल आ गया। और लास्ट डेट जो ऑनलाइन का है 18 तारीख है, 18 तक ऑनलाइन करा लेना। तो आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट अगम कुआं में जाएंगे, तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 5 बज रहे हैं और मैं लेट हो गया थोड़ा सा, और पास में इसके वजह से मैं सोचा थोड़ा देर बाद जाऊँगा। मैं सोचा 2 बजे जाऊँगा, 3 बजे जाऊँगा, धूप इतनी थी। तो अब धूप थोड़ी कम हुई है और मैं सो के भी उठाऊँ, तो मैं सोचा चलो 5 बजे ही चलते हैं। तो ऐसे वो कुआँ जो है मंदिर में है, तो वो शाम तक खुला ही रहेगा मंदिर में, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ। और आगे चलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को मार के उस कुएं में डाला था, और मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको, और कुएं की जानकारी मैं वहाँ पहुँच कर आपको देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से आपको ऑटो पकड़ूंगा और चलता हूँ। तो बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास गाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नई आबार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े रेले लाइन देना। तो ऑटो वाले भैया ने मेरे को यहाँ उतार दिया था अगम कुआं, यहाँ ऐसे में ऊपर पुल के ऊपर उतरता था, मगर आज नीचे उतार दिया और ज़्यादा अच्छा नीचे ही रहता है। और मेरे सामने में ही मंदिर है, तो आगे चलते हैं। अच्छे व्यू के लिए मैं ऊपर में आया हूँ पुल पे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर यहाँ से कैसा दिख रहा है। जमीन अपनी पर नोट दिखा कर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर धकेल देंगे क्राइम पे ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी 4 क्यों, घर में है 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर में देखते हैं वो, और कुएं के पास चलते हैं। क्यों तेरी पीढ़ी का सोच, वो कैसे लेंगे सांस क्यों, एक तरफ तराजू तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं, उसे देगा क्या हिसाब। तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग, मिलियनेयर ये स्लम डॉग है मिशन। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये अगम कुआं, इसे अशोक का कुआं भी कहा जाता है। इस कुएं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, और उसमें बहुत इस कुएं का जिक्र किया गया है। नेट पे आप इस कुएं के बारे में पढ़ सकते हो, क्या क्या जानकारी इसकी वहाँ पे भी मिल जाएगी। ऐसे मैं बता दूँ, इस कुएं में इसका पानी का रंग है वो ऑटोमेटिक दिन में चेंज होता रहता है। इसका पानी बहुत इलाज में भी काम आता है। इस कुआं का निर्माण जो करवाया था राजा अशोक ने करवाया था अपने राजकाल में, और इस कुएं का कनेक्शन आज सुबह मैं जहाँ गया कुमरार वहाँ से कनेक्शन था इसका, तो वो दोनों में कुछ कनेक्शन था। और इसमें जो इसकी गहराई, ऐसे इसकी गहराई 3 बार नापी गई है, और तीनों बार मतलब असफल ही रहे,
लास्ट बार 1995 में लालू जी ने राजकाल या शासनकाल उसमें इन्होंने अपना ये कुएँ की लंबाई को नापा गया था 105 फीट औसत मान है और ये पूरा मान नहीं है कि ये इतना फीट ही है और भी गहरा है ये। इसका पानी जब जब खाली करवाते थे तो ये फिर दोबारा भर जाता था और इसका कनेक्शन पाताल से भी माना जाता है और गंगा से भी इसका कनेक्शन जिसके चलते ये पानी कभी सूखता नहीं है इस कुएँ का पानी। इस कुएँ को टॉर्चिंग कुआँ भी कहता है क्योंकि इसमें अशोक सम्राट जो है दूसरे को मार के इसमें डाल देता था और 99 भाइयों को अशोक सम्राट ने इसमें काट के अपने भाइयों को भी डाला गया था जिसके कारण इसका नाम टॉर्चिंग कुआं रखा गया। और ये कुआं जो है शीतला माता का यहाँ मंदिर है बगल में, ये शीतला माता का मंदिर है प्रांगण में और इस मंदिर की पूरी साफ सफाई इसी पानी से की जाती है और पीछे देख सकते हैं उधर पाइप रखा हुआ है इससे पानी निकाल के पूरे मंदिर की साफ़ सफाई होती है। और पहले ये कुआं ऐसा नहीं था जैसे ढका हुआ, पहले ये खुला हुआ था तो इसमें आते क्या थे लोग सुसाइड करना होता था आके कूद जाते थे तो जिससे वो मर जाते थे जिसके कारण इस कुएं को ये घेर दिया गया है। डॉग मिशन पे सिस्टम के कीड़े छोड़े थे अपने कफन पे बचपन से छुरा रखा है इन्होंने अपने गर्दन पे पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते गलत सीखते हलक पर किसी को परवाह नहीं ये शैतान है इंसान नहीं धर्म के नाम पे काम वही धर्म बना इंसान नहीं पैसों के लिए ये था सभी दिमाग लड़ा कर जान के भी। माना जाता है अभी भी अशोक सम्राट का जो नीचे खजाना इस कुएं के अंदर दबा हुआ है। लगा तू कान कभी इस्तेमाल कर तू ज़बान कभी अंधे का क्यों है जान के भी अंधे का क्यों है जान के भी सच्चाई में तू समा कभी अच्छाई। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो ये पटना का अगम कुआं में पड़ता है और इस कुआं का नाम ऐसे अशोक का कुआं है और इसको बोलते हैं लोग अगम कुआं भी बोलते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और इस कुएं की जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लो, गूगल पर और इसकी जानकारी है। और ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और 200 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे कर दो और ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग और भी ऐसे आने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तू कमा कभी अच्छाई से तू कमा कभी इस गन को करना था कभी इस गन को करना था कभी इस गन को करना था कभी अब क्या सु एक तरफ मत रहा सु क्या सु तेरी हती